दोस्तों, अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं और आपको इस प्रकार से एरर दिखा रहा है एनपीसीआई स्थिति और आपका यह एनपीसीआई सत्यापन नहीं हो रहा है, तो इससे का समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, हम यहां पर देख सकते हैं तो हमने कई बार कोशिश की है और यहां पर एनपीसीआई सत्यापन नहीं हो रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं और एनपीसीआई चेक स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो कुछ सेकंड का यहाँ पर टाइम लगता है, लेकिन फिर से यहीं पे रुक जाता है और हमारा एनपीसीआई वेरीफाई नहीं होता है। यह समस्या हमारे कई लोगों को आ रही है जिन्होंने बताया है कि वह एनपीसीआई वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका यहाँ पर एनपीसीआई वेरीफाई कम्प्लीट नहीं हो रहा है। तो देखिये, हमारा ये फिर से प्रोसेस कम्प्लीट हो गया लेकिन यहाँ पर एनपीसीआई वेरीफाई नहीं हुआ, फिर से यही आ रहा है। तो इस समस्या का समाधान इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको चले आना है गूगल पे और यहाँ पर आने के बाद देखिए, आपको लिखना है एनपीसीआई। जैसे आप एनपीसीआई लिखकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनपीसीआई की, ये खुल जाएगी। जैसे ये वेबसाइट खुल जाती है, थोड़ा सा कभी टाइम भी लग सकता है, तो यहाँ पर देखिए आना है आपको कंज्यूमर में। और जैसे आप कंज्यूमर में आएंगे तो आपके सामने आएंगे ये ऑप्शन और यहाँ पर देखिए आपको चलना है इस सर्विस पे। इसका नाम है भारत आधार सीडिंग इनेबलर। जैसे ही आप इस सर्विस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे फिर से आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, तो आपको इतना वेट यहाँ पर करना होगा। अब देखिए, इस प्रकार से ये पेज आएगा और यहाँ पर लिखा है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग। तो जिनकी आधार सीडिंग कंप्लीट नहीं है तो वो यहाँ से आधार नंबर भरकर और सीडिंग या डी सीडिंग पे क्लिक करके अपने आप को सीड या डी सीड कर सकते हैं, तो वो जानकारी यहाँ पर देनी होगी। लेकिन हम इस विकल्प का प्रयोग नहीं करने वाले, हम पहले दूसरा विकल्प यहाँ पर चेक करके देखेंगे। अगर उससे हमारा काम नहीं बनेगा तो फिर हम आगे देखेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा सा एक एरो का निशान बना है, इस पर हम क्लिक करेंगे और कुछ और ऑप्शन हमारे सामने खुल जाएंगे। जहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन दिखाई देगा आपको, गेट आधार मैपेड स्टेटस, इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है और एक कैप्चा कोड भरना है और चेक स्टेटस के ऊपर एक बार क्लिक करना है। तो चलिए, ये जानकारी हम भरते हैं और क्लिक करके आगे आपको दिखाते हैं। स्टेटस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज जाएगा। यहाँ पर फिर से हमें ओटीपी डालना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, अगर आप स्टेटस चेक करने पे इस प्रकार से ऑप्शन दिखा रहा है कि मैपिंग स्टेटस नेवर इनेबलर फॉर डीबीटी, तो अब आपको यहाँ पर डीबीटी के लिए ऐसे चालू कराना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसा दिखाता है तो अब आपको क्या करना है कि अपना डीबीटी कंप्लीट करना है। उसके लिए देखिए, अगर ऑनलाइन आपका बैंक यहाँ पर है तो आपको रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए जो बैंकों की सूची आप दे रही है, इन बैंकों में आप ऑनलाइन आधार सीडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो बैंक यहाँ पर नहीं है, अगर आपको उनमें आधार सीड करना है तो फिर आपको बैंक जाना होगा और वहां पर एनपीसीआई का फॉर्म भर के अपनी आधार सीडिंग को चालू कराना होगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें अपना बैंक ऑनलाइन दिख रहा है तो यहाँ से हम आधार सीड कराएंगे। तो देखिए, उसके लिए हमें यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद देखिए हमें यहाँ बैंक सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर सीडिंग करनी है, तो सीडिंग पे हम चेक मार्क लगाएंगे, फिर यहाँ पर अकाउंट नंबर भरेंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर करेंगे, यहाँ पर चेक मार्क लगाएंगे और नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड भरेंगे और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर ये जानकारी भरते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमने कैप्चा कोड भर लिया है, अब हम प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देखिए, इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आएगा जिसे आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है और टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के बाद यहाँ पर लिखा है एग्री एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर देखिए कैप्चा आपका गलत होगा तो इस प्रकार से पेज आएगा, आपको फिर से यहाँ पर क्या करना है, सही कैप्चा को एंटर करना है। तो चलिए, हम यहाँ पर फिर से सही कैप्चा डाल देते हैं। फ्रेंड्स, कई बार यहाँ पर कैप्चा में दिक्कत हो जाती है, तो चलिए दोबारा कैप्चा डालते हैं, प्रोसीड करते हैं। फिर से यहाँ पर हम इस चीज़ को एग्री कंटिन्यू करते हैं। अगर यहाँ पर आपका कैप्चा सही होगा तो आगे बढ़ जाएगा और कैप्चा में कोई दिक्कत होगी तो फिर से एरर दिखाएगा। अब देखिए, आगे बढ़ गया, यहाँ पर हमें ओटीपी डालना है जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल पे भेजा गया है। तो चलिए, यहाँ पर ओटीपी डालते हैं और फिर से सबमिट करते हैं। ओटीपी जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपके सामने पेज आएगा, प्लीज ओके टू इनिशिएट आधार मूवमेंट टू बैंक ऑफ बड़ौदा। हम ओके पे क्लिक कर देंगे और जैसे आप ओके क्लिक करेंगे देखिए इस प्रकार से ये सीडिंग की रिक्वेस्ट जाएगी। कुछ सेकंड का आपको वेट करना है जब तक ये रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है।
तो यहाँ पर देखिए लिखा है सीजन यहाँ पर चल रहा है, तो इसमें हमें ओके करना है जिससे ये सीजन टाइम आउट ना हो जाए। तो देखिए हम ओके कर देंगे और जिससे कि हमारा सीजन ये चलता रहे और हमारा ये ऑटोमेटिक टाइम आउट ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स बीच में अगर टाइम आउट हो जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी। देखिए तो फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पर अपनी सीडिंग कंप्लीट कर देते हैं तो आपका यहाँ पर NPCI एक्टिवेट हो जाता है। फिर जब आप वापस से इसी वेबसाइट पर आएंगे और चेक NPCI पे क्लिक करेंगे तो आपका NPCI 24 से 48 घंटे के बाद यहाँ पर एक्टिव दिखाएगा। फ्रेंड जब आप तुरंत यहाँ पर अपनी प्रोसेस कंप्लीट करके यहाँ पर करते हैं तो NPCI नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से एक्टिव होने में तकरीबन यहाँ से 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बैंक का अप्रूवल लगता है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका बैंक यहाँ पर नहीं दिखा रहा है या कोई एरर आ गई है तो फिर आपको बैंक जाना है और बैंक से अपना NPCI को एक्टिवेट कराना है, फिर जाके 24 से 48 घंटे के बाद आपको रुकना है, फिर जाके आपका यहाँ पर NPCI एक्टिवेट हो जाएगा, फिर जाके आप फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स आपने ये कंप्लीट कर लिया फिर भी बैंक आपका वहाँ पर नहीं दिखा रहा है, आपका इंतज़ार भी कर लिया, तो आप क्या करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नया खाता खोलेंगे और वहाँ से आप क्या करेंगे उसे यहाँ पर लिंक करेंगे तो उसका NPCI तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसका सारा प्रोसेस आपके हाथ में रहता है। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप जो है अपने NPCI को कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।